नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजी। कोटे की जांच में गए अधिकारी, स्टॉक मिला पूरा। जनपद उन्नाव की भगवान नगर विधानसभा के अंतिम ग्राम सभा त्रिपुरानपुर में कोटेदार की जांच करने पहुंचे सप्लाई इंस्पेक्टर एआरओ ने बारीकी से जांच पड़ताल की तथा एक एक बोरी निकलवा करके स्टॉक चेक किया। मिट्टी का तेल से लेकर गेहूँ चावल के स्टॉक की जाँच पड़ताल करने के बाद अधिकारीगण ग्रामरक्षक के बयान लेने चले गए। इधर जांच की भनक समाचार एटीजेड के प्रतिनिधियों को लगी तो आनंद फानंद में मौके पर पहुंचकर मीडिया की पड़ताल में प्रारंभिक मामला समझ में आ गया। समस्त प्रकार की जांच राजनीति से प्रेरित बताई गई। वहीं सूत्रों की अगर मानी जाए तो कोटे की जांच में एक सत्ता दल के नेता का हाथ बताया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों से पूछा गया कि उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह राशन मिलता है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। आने वाले समय में प्रधानी का चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले अनायास ही कोटेदार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। वही कोटेदार के पति ब्रजेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किसी सिपाल रिटायर्ड मास्टर के विषय में बताया है कि 20 से 25 लोगों को राशन दे दिया करें, नहीं तो आए दिन शिकायतों का सामना करने के लिए तैयार रहो। राजा राम। अच्छा, राशन मिलता है तुमको? जी। कितना मिलता है? जी, हमको हमारे घर में 4 यूनिट है, 20 किलो राशन मिलता है। अच्छा अच्छा, घटतौली तो नहीं होती? नहीं सर। पैसा तो ज्यादा नहीं लिया जाता? नहीं, पैसा भी ज्यादा नहीं लिया जाता है। का नाम है? गोमती। अच्छा, गोमती। राशन मिलत है? हाँ। कितना मिलत है? हाँ, राशन अकेले घर घर तो मिलता है। अच्छा, 5 किलो। कै लोग हो घर में? अकेले। ठीक है। तेल गरम मिलत? पैसा तो ज्यादा नहीं लेते? नहीं। दादी, क्या नाम है? मातिनी। अच्छा, राशन मिलता है तुमको? हाँ, राशन हमको मिलत हर महीने, अपने लेबरन तेने हमारे घर में पहुँचा देते बच्चा। कितना मिलत है? मिलत है 20 किलो मिलती है गेहूँ, 15 किलो चावल और तेल मिलत हर महीने। हरदम देते। कबो कम तो नहीं देते? हाँ, कम नहीं, कबो देते हैं, कम नहीं देते हैं, हमको बहुत वो करते हैं और सबका देते हैं बच्चा। देखो देखो लाइन लागे। किस गांव में रहते हो? अच्छा, ये बताइए, आज कोटे की जांच हो रही है, आपको राशन मिलता है? राशन बरोबर मिलता है। तेल मिलता है? तेल बरोबर मिलता है। समय से मिलता है? कितना मिलता है राशन? 20 किलो गेहूँ, 15 किलो। पैसे तो ज्यादा नहीं लिए जाते? नहीं, कोई पैसा नहीं। कोटेदार घटतौली तो नहीं करता है? नहीं भाई, हमारे पूरे उतरता है। तो आखिर शिकायत किस बात की होती है बार बार? ये अवैध लड़ाई लड़ाने की बात होती है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश। ब्रजेश, क्या है आप? कोटेदार की पत्नी। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ जांच हुई है आज? जी। क्या दिक्कतें आई हैं जांच में? माल पूरा निकला, कम तो नहीं निकला? नहीं, माल पूरा निकला। आखिर आपके यहाँ हर महीने जांच की जो शिकायत आ रही है, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? हमारे यहाँ साहब 2-4 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 20-25 लोगों को समझ लिया करो, तो जिसका राशन कार्ड नहीं है तो हम कैसे समझेंगे उनको? क्या समझने वाली क्या बात है? कह रहे हैं उनको 10 किलो 15 किलो जिसको हम कहें उसको राशन दे दिया करो, क्योंकि मुझे प्रधानी का चुनाव लड़ना है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है? पाल मास्टर। क्या कहते हैं? कहते हैं हमको चुनाव लड़ना प्रधान और 20-25 लोगों को समझ लिया करो। अच्छा, जिन 20-25 लोगों की बात करते हैं, क्या उनके राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड नहीं, हम उनका दबाव बनाते हैं। अगर नहीं देते हो तब क्या कहते हैं? तो हर महीने शिकायत कराते हैं और हर महीने हमारी जांच कराते हैं। तो अगर नहीं समझोगे तो ऐसे ही करते रहेंगे आखिर कूटे। ठीक, जानकारी के लिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अमरनाथ यादव, प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, आज यहाँ पर सब लोग जमा हुए हैं, क्या है पूरा मामला? कुछ लोग जो है जिनके कार्ड नहीं बने, दबाव बनाते हैं कोटेदार के ऊपर कि हमको 20-25 लोगों को समझ लिया करोगे तो हम तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, जबकि कोटेदार बराबर तेल और राशन दे रहा है। एक बड़े आदमी है, राजनीतिक दबाव बनाते हैं, नाजायज लोगों को राशन दिलाना चाहते हैं,
कोई दे नहीं पाएगा, तो जिनको कार है उनको राशन मिल रहा है बराबर। अच्छा तो ये बताइए कि राजनीति से प्रेरणा का क्या मतलब है, राशन का वितरण और राजनीति से क्या ताल्लुक है? ये लोग प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी में अपने आदमियों को दबाव बना के राशन दिलाना चाह रहे हैं। उनका कार्ड नहीं बना हुआ है, अगर कार्ड हो तो राशन दे दिया जाए।